अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज मैं लेकर आई हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल मिंट चटनी। इसके लिए हमें चाहिए होगा पुदीना एक प्याले के करीब, आधा प्याले के करीब हमें यहाँ पे धनिया चाहिए जिसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है, 4 अदद हमें हरी मिर्चें चाहिए, 6 से 8 अदद मैंने यहाँ पे लहसुन लिया है और यहाँ पे मैं अनारदाना भी यूज़ कर रही हूँ जिसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। अब हम एक ब्लेंडर लेंगे और उसके अंदर हम ये सब चीज़ें शामिल कर देंगे। चलें जी, हम यहाँ पे पुदीना शामिल कर रहे हैं, लहसुन, फिर ये धनिया भी शामिल कर देंगे और अनारदाना भी। अनारदाना से चटनी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब यहाँ पे हम आधा चम्मच के बराबर नमक भी शामिल करेंगे इसके अंदर और आधा चम्मच के बराबर ही हम यहाँ पे ज़ीरा भी शामिल कर देंगे। हरी मिर्चें जाएंगी, वो भी शामिल कर दी हैं इसमें। आप चाहें तो इस चटनी को आइस क्यूब ट्रे लेकर उसमें भी आप डाल सकते हैं इसको और फ्रीज़ कर सकते हैं और एज अ रायते के तौर पे भी यूज़ किया जा सकता है। अब यहाँ पे हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और इसको ब्लेंड कर लेंगे। आप इस चटनी को चाहें तो स्टार्टर्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत से ऐसे स्टार्टर्स होते हैं जिनके साथ चटनी का फ्लेवर बहुत मज़े का लगता है। चलें जी, इसको अब हम सर्व करेंगे एक बाउल के अंदर। ये देखिए कितनी प्यारी लुक आई है इसकी, बिल्कुल फ्रेश लग रही है चटनी। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोगों को ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। चटनी में अनारदाने का फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा, थोड़ा सा लाइक खट्टा खट्टा सा भी होगा जिससे चटनी का मज़ा दुबाला हो जाएगा। चलें जी, ये बिल्कुल रेडी हो गई है और मुझे आप लोगों ने अपनी दुआ में शामिल रखना है। अल्लाह हाफिज़।